हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अनीशा हूँ, मेरा नाम अनीशा है। अनीशा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूँ कि मैं लखनऊ से हूँ और आज मैं आप लोगों को लखनऊ की एक मार्केट में लेके चलती हूँ, जहाँ पे एक एक से फैब्रिक मिलते हैं। जैसा चाहो आप वैसा फैब्रिक ले सकते हो, जहाँ पे जो आप एक एक से डिज़ाइनर ड्रेस बनवा सकते हो। ऐसे ऐसे फैब्रिक मिलती हैं एक एक से वहाँ पे। सो आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे बने रहें, मैं आप लोग को ले चलती हूँ। को ही लगती है ये मार्केट। यहाँ पे और भी बहुत सारी मार्केट लगती है, संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, गुड वेडनेसडे मार्केट। तो मैं आप लोग को ट्यूसडे मार्केट में ले आई हूँ। अब मैं फाइनली मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे कान के लगे थे सुंदर सुंदर, यहाँ पे हर एक डिज़ाइन के मिल जाते हैं। 30 रुपये स्टार्टिंग है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जैसा चाहो आप वैसा रेट मिलता है। तो मैं स्टार्टिंग में ये लगा था तो मैं देखने लगी, तो मुझे ये सब नहीं लेने थे। मुझे बेडशीट, सोफ़ा कवर, पिलो कवर, ये सब लेना था। सो मैं ऐसे ही देखते चली जा रही थी, मैं सोचा आप लोग को भी दिखाते चलो। तो मैं मार्केट में आ चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में ऐसे एंड तक बने रहें। मैं आप लोगों को जितना हो सकेगा मैं उतने चीज़ें आप लोग को दिखाऊँगी। यहाँ पर फैब्रिक एक एक से मिलती है। बेडशीट थी तो मुझे बेडशीट देखनी क्या लेनी भी थी। सो मैं बेडशीट देखने लगी थी। धनतेरस, दिवाली की वजह से इतने महंगे सब दे रहे थे। वो की चीज़ें सीधे 400 के थे और कम भी नहीं। को वैसे तो कम भी कर देते हैं यहाँ मार्केट में, और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करेक्ट टाइम पे पहुँच गई थी। वहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो मैं आगे चली गई। मैं आगे देखने लगी बेडशीट। इस शॉप पे एक एक से फैब्रिक थे, आप लोग देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाती हैं जो एक एक से डिज़ाइनर ड्रेस, और हर एक रेंज में 100 रुपये मीटर, 200 रुपये मीटर, 3 जैसा फैब्रिक रहेगा वैसा रेंज रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को सस्ते भी मिल जाते हैं, महंगे भी मिल जाते हैं, पर आप लोग एक एक से ड्रेस बनवा सकती हैं यहाँ पे। इधर सोफ़ा कवर देखने लगी थी। यहाँ पे सूट थे जो 250 के भी थे, 400 के भी थे। सो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, आप लोग के बजट में यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप लोग ड्रेस डिज़ाइनर बनाना चाहते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है,
नहीं तो, पर लेकिन एक एक से आप यहाँ पे फैब्रिक आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादातर फैब्रिक ही लगती है, पर अभी थोड़ी ठंडी का मौसम आ गया तो इसलिए विंटर के ज़्यादा कलेक्शन आ गए हैं, तो आप लोग को एक एक से यहाँ पे मिलती है फैब्रिक। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर पाई, इतनी भीड़ थी कि अकेले शूट करना और सामान लेना बहुत मुश्किल था। डर भी लगता है कहीं फ़ोन छूट ना जाए, इस वजह से ज़्यादा बहुत कुछ तो नहीं कर पाऊँगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं अच्छे से मार्केट, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी देखना है पूरी तरह से, तो मैं एक एक चीज़ अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके मैं आप लोग को दोबारा से दिखाऊँगी, अगर आप लोग चाहें तो। इनके पास थोड़ा बनारसी लुक में साड़ियाँ थी जो अच्छी लग रही थी, 1000 रुपये से स्टार्टिंग थी, 1000-1500 ऐसे कुछ। इन अंकल के पास एक एक सी कुर्ती थी, बहुत सुंदर सुंदर थी, 350 में, 350 से स्टार्टिंग थी, बहुत ही सुंदर सुंदर थी, जिसमें से मैंने एक लिया भी। तो मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी कुर्ती ली थी, जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ पे सारे कलेक्शन बहुत अच्छे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे गलत दिन चले गए थे, धनतेरस और दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे ही इस मार्केट में हमेशा भीड़ रहती है, पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बहुत ही गलत दिन जैसी चली गई थी। तो क्या करें, जाना था, सामान लेना था तो जाना था ही। तो आप लोग को भी क्यों ना मैं दिखाऊँ मार्केट। यहाँ पे कान के, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कान के मिलते हैं, तो मैंने इस बार नहीं लिए थे। बीच में अभी विशाल रुका है, इसलिए घर नहीं जाऊँ, विशाल आ गई हूँ। सो मैंने यही दो बैग लिए थे, बहुत वजन था, सोफा कवर हो गया था, वो बहुत वजन हो गया था, इसलिए हस्बैंड को मैंने बुलाया, वो अभी आएंगे तो सारा सामान लेके जाएंगे। फिर मैं थोड़ा विशाल में, मुझे कुछ लोवर लेनी थी, तो विशाल में भी देख लीजिए कितनी भीड़ है, धनतेरस की वजह से बहुत भीड़ थी। सो मुझे एक दो लोवर लेनी थी और कुछ धनतेरस के लिए कुछ भी बर्तन ले लूँगी। पे भी विंटर के ज़्यादा, बहुत सारे कलेक्शन विंटर के ज़्यादा ही दिख रहे थे। मुझे लोवर लेनी थी, मैंने लोवर ले ली और फिर मैं
वो भी अच्छे अच्छे ड्रेस थी पर मैंने नहीं कुछ लिया क्योंकि मुझे कुछ अभी लेना नहीं था, तो बस मुझे लोवर लेने थे, मैंने लोवर लिया। और एक कुछ बर्तन समझ में नहीं आ रहा था कि बर्तन क्या लूँ, तो हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आए तो बताएं, ऐसा कुछ जरूरत था नहीं इसलिए मैं आ गई थी। तो मैं ऐसे देख रही थी, हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आए तो बर्तन क्या लेना है वो देख के लेंगे। तो हम लोगों ने बर्तन में कुछ नहीं दवा ले लिया हम लोगों ने। फाइनली मैं घर आ गई, इतनी भीड़ थी मार्केट में, कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग को दिखाऊं, ये लेके आई मैं, ये समय इतनी भीड़ थी मार्केट में कि कुछ ना फाइनली मैं आ गई। टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखो, देखिए मैं क्या क्या लेके आई। ये रहा सोफा कवर, एक ये दो सोफ़ा कवर, ये टेबल का है सेंट्रल टेबल का, और ये दो बेडशीट, और ये पिल्लो कवर सोफा के, और ये मैंने अपने लिए एक चिकन का टॉप ले लिया, अच्छा लग रहा था मुझे बहुत तो मैं ले ली। ठीक है, शॉर्ट में टॉप है कुर्ती टाइप का, और मैंने एक कुर्ती अपने लिए ली, और ये मैंने कुर्ती ली अपने लिए, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने ले लिया। और कुछ नहीं लिया, बस मैंने इतना ही लिया। और मैंने विशाल से दो लोवर लिया, एक टी शर्ट लिया, और वो कहाँ थी ये, और टी शर्ट इधर गई, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो मैं मार्केट में